गाइस हेयर इज द हाईवे एंड अभी हम लोग जो है टोल टैक्स के पास आ चुके हैं। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द टोल टैक्स एंड देन अभी इससे आगे हम लोग चलना है। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देखो टाइम, तो ये अभी हो रहे हैं सुबह के 5:28 एंड ऐसे मैं 4 बजे उठने का कोशिश किया था मैंने, बट हुआ नहीं मुझसे उठ के एंड फिर से मैं सो गया था। तो अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है, काफ़ी प्यारा है, थोड़ा सा फॉगी है, पता नहीं रेन होगा कि नहीं होगा। तो अभी यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं बाइक के पास, देन आप लोग देखना। ये आप लोग देखो कैसा कुहासा आया हुआ है, एकदम पूरा धुंध छाया हुआ है, अभी सुबह सुबह है इसीलिए। तो जैसे ठंड के दिनों में जो सुबह सुबह हो जाता है इतना सारा फॉगी मतलब लग रहा है ऊपर का मौसम, आप लोग देखो। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, होप कर तो आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह हम लोग निकल चुके एक राइड पे, अभी पहले के क्लिप देख के आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं निकल गया हूँ राइड पे एंड दिस इज द वे फॉर आवर राइड। तो अभी हम लोग 6 लेन पे, देन यहाँ से क्रॉस करके सीधा आप हम लोग चलेंगे हाईवे पे। तो सीधा मिलता हूँ हाईवे पे आप लोगों से। सो गाइज हेयर इज द हाईवे एंड अभी हम लोग जो है टोल टैक्स के पास आ चुके हैं। तो फाइनली वी हैव रीच द टोल टैक्स एंड देन अभी इससे आगे हम लोग चलना है। ऐसे प्लान तो मैंने रखा था राजगीर का और बार बख्तियारपुर तक का, मतलब मिनिमम, बट अभी देखते क्या होता है, डिपेंड ऑन द माइंड। अगर मूड सही रहा और ऐसे ही मौसम रहा, धूप नहीं हुआ, तो अपन लोग आगे भी चलेंगे। अभी तो हम लोग टोल टैक्स को क्रॉस किए, देन अभी आप लोग वीडियो को देखें। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. गाइज अभी यहाँ पर रुक के मैं कुछ इंस्टा रील्स वगैरह बनाऊंगा एंड कुछ फोटोग्राफ्स भी लूँगा। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या किया, तो फटाक से मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ भी मैं इसी नेम से मिल जाऊँगा, क्रिएटिव विवेक आप लोग लिखो एंड आई विल बी देयर इन योर इंस्टा आईडी। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, पता नहीं कहाँ पर रुके हैं यार, अभी तो हम लोग पहुँचे भी नहीं। तो अभी रुके हैं, अभी आप लोग बाइक को देखो कितनी ही प्यारी लग रही है। तो मैंने धो के और साफ करके रख दिया था विश्वकर्मा पूजा के दिन एंड उसके बाद सीधा अभी निकाला हूँ संडे राइड पे। तो भाई से पूछते हैं हाउ इज़ योर जोश, हाउ इज़ योर फीलिंग, गुड फीलिंग, गुड, मज़ा आ रहा है ना, क्या वादियाँ हैं, क्या मौसम है।
अभी फिर यहाँ से मैं रील्स वगैरह बना के आगे निकलता हूँ, देन आप लोग को देख सकते हो कि रोड सर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी यहाँ पे रोड पे काम लगा हुआ है एंड रोड बन रहा है कि आगे जो है ना, ये आप लोग देखो नीचे वाला जो उसका सतह है कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये रोड। तो इसीलिए पीछे भी आप लोगों ने देखा कि रोड बन रहा है एंड दिस इज़ वेरी वेरी बैड कि अभी जैसे हम लोग स्पीड में आ रहे थे इस तरह से सब लोग स्पीड में जैसे हाईवे तो अब घूमने नहीं तो सब लोग स्पीड चलाते ही हैं, बाइक जो है ना अभी पूरा दाएँ बाएँ हो रहा है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अभी रोड को वापस से रिस्टोर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये रोड जो है ना वो सही नहीं है, इसके बीच बीच में गड्ढे हैं एंड उस पर जो है ना टायर जो है पूरा राइट एंड लेफ्ट हो रहा है। तो वेल अभी हम लोग पहुँचे हैं ये अतिथि होटल के पास है, देन अभी हम लोग और आगे जाना है, देखते हैं जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक जाएंगे क्योंकि पेट्रोल की कमी नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल अच्छा है लेकिन एक इसकी जो है वो एक पॉइंट डाउन हो गया, तो हम लोग 107 चलते हैं। फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन होटल महाविहार एंड अभी देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। सुबह सुबह आए हैं हम लोग, चेकआउट करते हैं।